साधे हुए हैं ऊपर से कुछ उनको मिला होगा आदेश कि आप मत बोलिए, इसीलिए चूंकि साधे बिहार के जनता देख रही है, नीतीश कुमार बिहार के मुखिया हैं, जनता भी देख रही है उनको भी और बीजेपी के भी। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने सीधा सीधा सरकार पर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि जिस तरह से अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में मॉनसून सत्र के दौरान हंगामा और प्रदर्शन किया गया, वहीं उनका कहना है कि जिस तरह से सदन के अंदर हो या सदन के बाहर सरकार कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। अगर सरकार ही बात नहीं सुनेगी तो हम लोगों को तो धरना पर बैठ जाना आसन के सामने उचित बनता है। यही नहीं, उन्होंने यह भी आरोप लगाते हुए कहा है कि जो अग्निपथ योजना है कहीं ना कहीं युवाओं को ठगने का काम सरकार ने किया है। और जो हम तो सरकार से आग्रह करते हैं कि जो जिन युवाओं को जेल में सरकार ने बंद कर दिया है उसे यथाशीघ्र रिहा करें, अगर उनको रिहा नहीं करती है तो इसी तरीके से प्रदर्शन और आंदोलन जारी रहेगा। यही नहीं, मोदी नगर और नीतीश नगर बनाए जाने के बाद को लेकर के भी उन्होंने कह दिया है कि क्या आज तक सरकार की कोई भी चीज़ें धरातल पर दिखी है। ऐसे ऐसे वादे बहुत हुए हैं और आगे भी सरकार करेगी, लेकिन पूरा कितना होगा वो देखने वाली बात रहेगी। यही नहीं, उन्होंने स्मार्ट सिटी को लेकर के भी कहा कि जो दावे किए गए हैं, जितना खर्च किया जाता है, क्या सही मायने में स्मार्ट सिटी बन पाया। हम आपको छोड़े जाते हैं कि क्या कुछ कर रही हैं बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी। नीतीश कुमार भी अंदर बैठे हुए थे, नहीं माना गया बात को, तो इसीलिए हम लोग जेल में जाए, जेल में बैठे नाराबाजी किए और उसके बाद 1 बजे फोन हो गया, उसके बाद फिर 1 बजे से शुरू हुआ। तो इसके लिए भी हम लोग वहाँ बोले हैं खड़ा होकर कि जब बात हम लोग को नहीं माना गया तो हमने नहीं सुना, तो फिर क्या लक्ष्य लेंगे, तो हमें बकाव कर मैम सदन से नहीं सुनवाई होगा या सरकार नहीं सुनेगी तो बैठ के हम लोग क्या करेंगे। देखिए, अग्निपथ योजना तो बिहार सरकार वापस नहीं ले सकती, लेकिन जो गिरफ्तार हुआ है सुनिए ना, जो अग्निपथ मानते हैं कि नहीं वापस लेगा, जो FIR हुआ लेकिन जो जेल में बंद है उसको तो छोड़ना चाहिए, बेरोजगार लोग हैं, रोजी रोटी का वो लोग का परिवार कैसे चलेगा, और लोग का परिवार का तंग किया जा रहा है, बिहार सरकार पुलिस भेज के क्यों तंग करा रहा है, जो लड़का जेल में बंद है पिटाई है उसको, इतना मार पड़ा है सबको, फिर भी वो परिवार के भी तंग किया जा रहा है। JDU भी इस पर चुप्पी साधे हुए, JDU भी पूरी तरह से, नीतीश कुमार भी अंदर थे आपने कहा, अभी चुप्पी साधे हुए हैं ऊपर से कुछ उनको मिला होगा आदेश कि आप मत बोलिए, इसीलिए चुप्पी साधे हुए बिहार के जनता देख रही है, नीतीश कुमार बिहार के मुखिया हैं, जनता भी देख रही है उनको भी और बीजेपी के भी, इसीलिए हम लोग का वॉकआउट हम लोग कर दिया। बिहार में राजद सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, आपकी पार्टी बड़ी पार्टी हो गई, बिहार में राजद सबसे बड़ी पार्टी, आपकी पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी हो गई, कल फिर से तो जानने रहेंगे कि बड़ी पार्टी हो गई है। मैडम, अब बिहार सरकार दो नगर बसाने जा रही है, नीतीश नगर और मोदी नगर, गरीबों को तो बीजेपी आ गया, 3 नंबर में नीतीश जी, RJD 1 हो गया जी, आप तो जानिए। मैडम, अब बिहार में सत्ता बनाने की भी कोशिश होगी क्या, आगे कुछ ऐसा होगा कि इतनी बड़ी पार्टी जनता जो कहेगा हम लोग करेंगे। मैडम एक सवाल है, बिहार में नीतीश नगर और मोदी नगर बसाएगी। हर जिले में दो नगर बसाए जाएंगे, नीतीश नगर और मोदी नगर। पहले भी MP लोग का नगर मिला था, जिला में मिला था ना गांव बसाने के लिए, उसमें सारा सुविधा देने के लिए, तो क्या हुआ, कहीं हुआ है सुना कि क्या कुछ कहीं। आपको बता दें कि जिस तरह से अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश भर में विरोध हो रहा है, तो वहीं बिहार में मॉनसून सत्र के दौरान भी विपक्ष हंगामा किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यही नहीं, आखिरी दिन तक भी विपक्ष अग्निपथ योजना को लेकर के ही अड़ा रहा और जनहित के मुद्दे गायब नजर आए। इसका बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ, धन्यवाद।